हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से द स्मार्ट पढ़ाई पे स्वागत है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.4, कहने का मतलब एक्सरसाइज 7.4। और मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को किन तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं, वो भी स्मार्ट तरीके से। ठीक, तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इन फॉर्मूलों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। एक इसमें देखिए केमिस्ट्री का भी फॉर्मूला मैंने जोड़ा है, जिससे आपको थोड़ा याद करने में असुविधा ना हो, और इसकी वजह से ये भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कहने का मतलब चीजें जो है इंटरलिंक्ड करके आप याद करेंगे तो वो ज्यादा समय तक याद रहेगा, और कभी जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्यूरेसी जो है सही रहेगी। ठीक, और आपको वो बिल्कुल कन्फर्म होगा, नहीं हमारा सूत्र जो है बिल्कुल सही है। तो अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे 4-5 नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, तो अभी हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ क्वेश्चनों के साथ हम फिर हाजिर हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करिए, फिर आप कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, पहली चीज तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की है कि हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले सोचेंगे। सब्स्टिट्यूट करके जो ये मैंने 6 फॉर्मूले पीछे भी लिखवाए थे, बताया था कैसे याद करेंगे, उनमें बदलने की कोशिश करिए। ठीक, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए, अभी ये जो सूत्र मैंने लिखवाए हैं उनके रूप में ये नहीं दिख रहा है। क्यों, कैसे नहीं दिख रहा, क्योंकि उनमें ऊपर में हमेशा 1 था। ठीक, कहने का मतलब dx था और नीचे कुछ लिखा था, तो देखिए ऊपर है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करिए। ठीक, पहली चीज आप याद रखिए नीचे इस क्वेश्चन के बारे में कि पावर में एक्स पावर 6 है, लेकिन मैंने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं आपको a² x² कहने का मतलब नीचे है स्क्वायर पावर। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ करें कि नीचे स्क्वायर बरकरार रहे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, x³+1। तो देखिए ये स्क्वायर जो है बना है। अब हम इसको अगर टी पुट कर देंगे तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है, तो ये आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। x³ को हम क्या पुट कर दिए, टी, तो ये आ गया 3x² dx = dt। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ आ गया dt/x³, क्या है, टी है, तो t² + 1। ठीक, अब देखिए ये तो पिछले सूत्र जैसा ही लग रहा है, तो बस पिछले सूत्र जैसा लग रहा है पिछला सूत्र लगा दीजिए। कौन सा लग रहा है, ये तो बेसिक फॉर्मूले वाला लग रहा है, ये जो tan इनवर्स, जो यहाँ a² तो है ना, a² मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो ये बेसिक फॉर्मूला ही बन रहा है, ये तो आपको याद ही होगा। तो क्या होता है, ये tan इनवर्स x, x की जगह यहाँ क्या है, t + c। अब आंसर हमें चाहिए x के रूप में, तो t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, x³+c। तो देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए ये है। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले क्या बदलना होगा, बेसिक सूत्र के बारे में, बस बेसिक सूत्र बनाना होगा। ठीक, तो इसमें हम दो तरीकों पे बात करेंगे, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करना। हालांकि है एक ही तरीका, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है तरीकों के बारे में। पहले तरीका हम ये बता रहे हैं कि पहले ही हम इसको बेसिक सूत्र में बदल लें। ठीक, बेसिक सूत्र कहने का मतलब हम, मैंने आपको बताया है a² + x² ये इसका हो गया, ये दिखाई तो दे रहा, ये इसका हो गया बेसिक सूत्र, ये a² + x² यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये पूरा a होना चाहिए और यहाँ x² होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ पर जो कोफिशियंट है ये 1 होगा। ठीक, अगर ये चीज यहाँ पर हम बना लेंगे तो कहेंगे कि ये बेसिक सूत्र का रूप ले लिया। तो ये बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 4 अंदर कॉमन, रूट तो लगा ही है, रूट लगा दीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो हमें पता है जो चीज कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 प्लस
सेवन एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें सेवन कॉमन लें तो सेवन कॉमन लेने का मतलब है सेवन से दोनों में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट गया तो क्या आ गया फाइव अपॉन सेवन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर कोई कहे एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये कट गया एक्स पावर माइनस टू और यहाँ फाइव प्लस सेवन। ठीक, और कॉमन तो ले लिया, अगर हमें चेक करना है कि क्या ये सही है तो अंदर इंटू कर दीजिए, जो बेसिक पहला था वही आ जाएगा, तो करेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर अगर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे ये आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉमन लेना हो गया, तो हम यहाँ पर फोर कॉमन लेंगे, फोर मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों जगह डिवाइड करना है, कॉमन लेने का मतलब अभी मैंने बताया ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर प्लस फोर अपॉन फोर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डीएक्स ऊपर लिखा है तो डीएक्स कर दिया यहाँ पर। अब देखिए ये फोर हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर अगर फाइव इंटू एट लिखा है, ठीक, तो ये भी बाहर आ सकता है, ये भी बाहर आ सकता है, ठीक, या ये हम कह सकते हैं दोनों को हम रूट में सेपरेट कर सकते हैं इंटू का साइन लगा के, तो सेपरेट करेंगे तो रूट फोर इंटू ये होगा वन अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है टू, कुल मिला के टू जो है, रूट के बाहर अगर किसी नंबर का कोई, रूट के अंदर कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है जैसे चार हो गया सोलह हो गया, ठीक, किसी संख्या को दो बार जब गुणा करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप याद भी कर लीजिए 25, 36 और हो गया 49, ठीक 81, ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर अंदर है परफेक्ट स्क्वायर तो वो बाहर आके उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो देखिए फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, तो ये हो गया वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन डीएक्स वन अपॉइंट फोर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए बेसिक फॉर्मूला बन गया, एक जगह क्या है ए और एक्स की जगह देखिए वहां, यहाँ पर तो वन है ही, इसको हम ये भी कह सकते हैं वन अपॉइंट टू का होल स्क्वायर। तो देखिये ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया है, ठीक, अब सूत्र अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूट करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए वन अपॉइंट टू यहाँ आ गया लॉग, अब देखिए रूट में वन अपॉन टू ए होता नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो ये तो रहेगा ही। अब मैंने ये भी बताया था जो ये होते हैं इसमें जो वेरिएबल होता है उसको एक बार लिख देते हैं और जो नीचे सेम रहता वही चीज उतार लेते, सेम ये था यही उतार लीजिए, अगर ये उतार देंगे तो आपको सिंप्लीफाई करके ये फिर बनाना होगा, तो जो क्वेश्चन मेन है वही यहाँ पर लिख दीजिए वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, ये हो गया इसका आंसर, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, ये चीज आपको रखनी होगी, अभी हम इसको बताते हैं वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस ये चीज आप यहाँ पर रखेंगे वन अपॉन फोर कर सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर और ज्यादा हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से क्या होगा यहाँ आ जाएगा फोर, यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन फोर। अब इसका अगर हम रूट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर तो रूट रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा टू, ये टू। ठीक, अब देखिए टू यहाँ पर हमें बेस सेम बनाना है तो बेस सेम बनाने के लिए ये कर दिया, अब देखिए लॉग के नियम से ये जो टू है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग टू प्लस सी। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गया, अब ये हमें मालूम है ये पूरा क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वन अपॉन टू लॉग टू एक्स प्लस रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक, तो ये चीज ये आंसर होगा हमारा, तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा टू, तो ये चीज आप थोड़ा याद रखेंगे, अधिकतर यही लिख दिया जाता है लेकिन जब कोफिशियंट हो ये वन अपॉन तो उसको हम थोड़ा याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा कोफिशियंट लगेगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसके दूसरे तरीके के बारे में, दूसरा तरीका क्या कहता है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है, इसको हम पूरा ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये वन का स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको भी हम पूरा स्क्वायर के रूप में कहने का मतलब अभी हम बताए थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये था, अगर हमारे पास ये है तो हम इसको जो है कोफिशियंट वन नहीं रखेंगे, जो इसके साथ होगा पूरे एक्स को इसके अंदर ही मिला लेंगे। ठीक,
वो चीज। तो देखिए एक्स और जो कांस्टेंट होगा, कहने का मतलब जो कोएफिशिएंट होगा वो बिल्कुल इसमें मिला के पावर सेम करके स्क्वायर के रूप में दोनों को लिख लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इस पूरे को क्या कंसीडर करेंगे, पूरा एक्स। ठीक, तो ये कंसीडर करने से होगा क्या, हमारा जो फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला जैसा बन जाएगा। अब ये थोड़ा इसमें लंबा ये करना पड़ेगा, अब इसको हम टी पुट करने दिए, 2x इक्वल टू टी पुट करना पड़ेगा क्योंकि बेसिक फॉर्मूले में यहाँ कोएफिशिएंट 1 था। तो टी पुट करने से क्या होगा, dx इक्वल टू 1/2 dt होगा। ठीक, तो ये करने से यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 dt/√1² + t². अब हम सूत्र लगाएंगे तो 1/2 log t + √1 + t² + ct की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें, मैंने पहले जब सब्स्टिट्यूशन आपको बता रहा था तो मैंने बताया था एक्स के साथ जो संख्या रहेगी अगर एक्स के इंटू में है कोई कोएफिशिएंट तो वो डिवाइड में आ जाएगा, अगर डिवाइड में है तो वो इंटू में आ जाएगा जब हम आंसर लिखेंगे। ठीक, तो इसमें ये नहीं करना है आपको, अगर ये कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहां पर हम करेंगे सीधा सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या कहता है, लॉग ये एक्स क्या है, मतलब वेरिएबल क्या है 2x, प्लस ये लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू सूत्र प्लस 2x² प्लस सी। अब देखिए 2x का जो x का जो कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ठीक, जो अगर ये x के क्या है इंटू में है, तो जब x के इंटू में होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में 2। अगर यहाँ 5 होता तो ये अपॉन में 5 आ जाता, अगर ये यहीं पर ये चीज होती x अपॉन 5 तो यहाँ पर ये 5 ऊपर चला जाता। ठीक, कहने का मतलब उल्टा होता है सेम, अगर यहाँ पर ये 2x है, ठीक, तो 2 कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर 2 आ जाता है डिवाइड में पूरे में, तो हम यहाँ कर सकते हैं 1/2। ठीक, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये वाला। ठीक, और पता होने चाहिए आपको सब, इससे होगा क्या, इससे आपको पता होगा कौन सा हमारे लिए सही है कौन सा थोड़ा कठिन है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत अटेंशन देने वाला है, अटेंशन मतलब ध्यान, ये काफी ध्यान पूर्वक करने वाला क्वेश्चन है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं माइनस हमेशा कांस्टेंट के साथ था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस जो है एक वेरिएबल के साथ आ गया। ठीक, तो माइनस जो है एक वेरिएबल के साथ आ गया, तो ये चीज आप याद रखेंगे, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे क्या, इसी में हम बताते हैं आपको, अटेंशन आप इसमें रखेंगे। तो देखिए अगर हम इसका जल्दी में करने की कोशिश करेंगे तो एक गलती क्या हो सकती है, गलती ये हो सकती है कि हमें मालूम है ये पूरा ए मान लिया, ये पूरा ए है और ये पूरा क्या है बी है। ठीक, तो सूत्र के हिसाब से यहाँ पर प्लस लगा है तो और रूट है, कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग एक्स क्या है 2 - x प्लस, अब इसी को पूरे को हम यहाँ पर उतार लेते हैं 2 + 1। ठीक, प्लस सी, तो ये हमारा जो आंसर है ये गलत है। ठीक, गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि यहाँ पर x के साथ हमें माइनस दिया है। ठीक, और माइनस करने से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर dx और dt जो है आपस में बराबर नहीं होती। क्यों बराबर नहीं होते, इस माइनस की वजह से dx और dt में एक माइनस का अंतर आ जाता है, कहने का मतलब एक यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, और dx और dt के जब बराबर होता है, ठीक, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तब हम ये आसानी से, कहने का मतलब अगर इसी की जगह पर होता x - 2, ठीक, यहाँ पर कर देते x - 2, तब तो ये सही था क्योंकि dx और dt इस केस में बराबर है। और रही कांस्टेंट की बात, तो कांस्टेंट अगर यहाँ पर x के अगर इंटू में है तो वो तो डिवाइड में आ ही जाता है, अगर डिवाइड में तो आंसर जब लिखते हैं इंटू में चला जाता है, उसकी बात तो हम बताए थे कि इसका मतलब है कि हम यहाँ कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये भी कुछ हो सकता है, 7 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ a1 a2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, और ये a1 a2 आपस में
बराबर नहीं होंगे, बराबर होंगे तो कट के एक ही बचेगा, तो ये dx जो है माइनस dt के बराबर होगा अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम एक माइनस लगाएंगे। और आपको मैंने ये बताया भी है, ये सूत्र लगा देंगे अगर सूत्र बन रहा है ठीक, और x का जो कॉफिशियंट है वो हमेशा डिवाइड में जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का कॉफिशियंट जो है माइनस वन है ठीक, और ये x के इंटू में है, तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस वन। अब माइनस वन ये हमें पता है कि ये माइनस टू लिखा है या, तो दोनों एक ही चीज है, कहने का मतलब जो माइनस का नोटेशन होता है ये ऊपर ही लिखा जाता है, तो ये माइनस अल्टीमेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया सही। तो अगर आप ये वाला थोड़ा ध्यान रखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा कि dx और dt आपस में बराबर इसमें नहीं बनेंगे, माइनस का अंतर होगा ठीक। अगर ये चीज आप भूल भी गए तो दूसरी चीज ये है कि x के कोएफिशिएंट को हमेशा हम डिवाइड करते हैं ठीक। अगर यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर होता 5 तो हम यहाँ करते हैं माइनस 5, तो ये तो पहले माइनस लगाया था ना, तो ये माइनस ऊपर चला जाता, ये 5 नीचे रहता, कहने का मतलब ये माइनस 1/5 इंटू में रहता ठीक। तो हमें उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे, और इसी तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं एक नंबर में खाने के लिए जिसमें आप 100 न ले पाए, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर बेसिक तरीके की अगर बात करें, अगर दो नंबर में आ जाए तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2 - x को टी पुट कर दीजिए तो dx = -dt करेंगे, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता वो dt के साथ रहता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या है, log ये रूट नहीं लगा t प्लस रूट t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, log t की वैल्यू क्या है, ये क्या कर दिए माइनस t माइनस माइनस t की वैल्यू क्या है 2 - x, t की वैल्यू है ना ये 2 - x प्लस रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस c ठीक। ये चीज हमारा हो गया, आंसर आ गया, जबकि हम यहाँ देखते हैं 2 - x होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x - 2 का होल स्क्वायर, दोनों आपस में क्या होते बराबर होते हैं ठीक, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो आंसर आता है थोड़ा से अलग अलग हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होगा ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी आएगा पॉजिटिव ही ठीक। तो ये हालांकि अलग बात है, क्यों इसका अगर हम तोड़ेंगे खोलेंगे तो ये दोनों बराबर ही आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हो जाएगा ये x - 2 तो ये माइनस जो है नहीं हम लगाएंगे। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम हमेशा दूसरे मेथड की बात करेंगे, कहने का मतलब अगर यहाँ लिखा है 7² यहाँ पर लिखा है 49x², तो हम इसको इस तरीके से बदल लेंगे और जो कोएफिशिएंट है हम उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे ठीक। ये तरीका थोड़ा आसान है, तो देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा एक स्टेप में मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये कर सकते हैं 3² माइनस यहाँ क्या कर सकते हैं 5² ये ठीक। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगाने से होगा क्या, सूत्र लगाने से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रूट है, तो रूट वाले में हमें मालूम है लॉग आता है, लॉग लिख दिया ठीक। एक्स क्या है 5x है ठीक, प्लस अब ये पूरी चीज को यहाँ लिख देते हैं, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना, अल्टीमेट हम यही लिख देते हैं प्लस सी। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप ये चीज याद रखिए हम हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट देखते हैं, कहीं आप जल्दबाजी में x² का कोएफिशिएंट लिखे 1/25 ना कर देना, हम हमेशा एक्स का कोएफिशिएंट देखते हैं। तो देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर स्क्वायर है उससे नहीं मतलब, हम एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा देखेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो हम यहाँ 5 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, तो ये हमारा हो गया आंसर ठीक। और तो ये हमारा हो गया आंसर, तो देखा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया ठीक, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई, तो देखिए और ये गलती आपसे भी हो सकती है, इसीलिए हमने ये आपके सामने रखा। जो बच्चे समझ गए थे ये गलत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, जिसमें हम समझ पाए कि आप लोगों को फॉर्मूला जो है याद हो गया है। तो देखिए गलती ये हो गई
हालांकि मैंने जानबूझ के ये किया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, नाइन है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, एक कोफिशियंट है, उससे नहीं मतलब। तो कहने का मतलब ये क्या है, 25x2 ये वेरिएबल। तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, एक्स है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा है, जो मैंने सूत्र बताया था वो क्या था, 1 - x2। तो जब 1 - x2 होता है तो क्या आता है, साइन इनवर्स x आता है। ठीक, अगर यहाँ ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाता है एक्स अपॉन ए। ठीक, और यहाँ तो रूट रहता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, जब पहले कॉन्स्टेंट लिखा होगा उसके बाद वेरिएबल होगा और बीच में माइनस होगा, हमेशा साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। और सब यहाँ पर सही है, बस इतनी सी यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए एक्स क्या है, एक्स क्या है, 5x है, ए क्या है, 3 प्लस सी। तो इसका आंसर बेसिक ये होगा। ठीक, तो जब भी आपको यहाँ इस ये कंडीशन दिखे कि 1 - x2, 1 मतलब यहाँ कांस्टेंट होगा, कोई कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ये अप्लाई करिएगा, इससे होगा। और जब ये आपको दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में अपॉन, तब तो लॉग लगेगा ही। ठीक, तो ये थोड़ी चीजें हैं, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और हम बताते भी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए इसको हम पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे बेसिक फॉर्मूले के रूप में। ठीक, तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो हमें दिख ही रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हम पहले कर देते हैं, 1 + 2x² dx। अब देखिए इस चीज को हम टी पुट कर देंगे, टी पुट करने से क्या होगा, ये जो इसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर लिखा है, जो कांस्टेंट है उनसे हमें नहीं मतलब होना चाहिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये कांस्टेंट है इससे हमें नहीं, सॉरी ये यहाँ पर कांस्टेंट है इससे मतलब नहीं है। टी पुट कर दिया तो क्या आ गया, 2x dx = dt। अब देखिए जो कांस्टेंट है वो हमेशा dt के साथ रहेगा, ये तो यहाँ पर इंटू में, जब यहाँ आया डिवाइड में आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 3 कांस्टेंट है ये इधर कर दिया, एक्स डी एक्स इसका मान क्या है, dt/2, 3/2 यहाँ आ गया, dt/1 + 2। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी, और ऊपर स्क्वायर लगा है t². अब देखिए हमें यहाँ पर पूरा पूरे का स्क्वायर बनाना है, तो कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं √2 × √2, और √2 का जो है, 2 को जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जब लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2² यहाँ लगा दिए हम ब्रेकेट। ठीक, ये हम यहाँ ब्रेकेट लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बनना है, तो देखिए रूट नहीं है। ठीक, फॉर्मूला लगाने से पहले आप चेक कर लीजिएगा रूट है या नहीं है। ठीक, तो देखिए रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो 1 + x², तो कहने का मतलब टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। तो यहाँ लगा दिया टैन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है, ये पूरा है √2t। ठीक, प्लस सी कर दिया। अब देखिए ये होता है टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए भी होता है, ए देखिए 1 है तो यह 1 कर दिया, और यहाँ पर 1/a होता है तो 1/1 कर दिया, कहने का मतलब एक जगह 1 ही है। अब देखिए यहाँ पर है टी का कोफिशियंट √2, जो कोफिशियंट होता है वो नीचे आता है डिवाइड में, तो √2 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2√2। ठीक, अगर ये करना चाहते तो आप अगले स्टेप कर दीजिए, नहीं यहीं पर करना होगा क्योंकि सब तो यहीं किए हैं ना। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आपको पता है आंसर जो है हमें देना है वेरिएबल एक्स के रूप में, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा √2 x² ये ब्रेक लगा दिए प्लस सी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। ठीक, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, हम बताना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता 7 + 2x² तो ये पूरा यहाँ पर ये तो यही रहता। ठीक, तो यहाँ तक तो सेम ही रहता, तो यहाँ आ जाता dt, ये जो 3 है ये 3 बाहर आ जाता। ठीक, सब्स्टिट्यूट करते तो ये 2 भी बाहर आ जाता, नीचे क्या था 7 + √2t² तो अब देखिए 3/2 तो रहेगा ही। अब हम सूत्र लगा दिए, सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x क्या है √2t,
ठीक, अपॉन ए, अपॉन ए क्या है सेवन, तो सेवन नहीं है, ए मतलब होता है स्क्वायर छोड़ देना है और जब ये रहेगा उसको हम ए मानते हैं, इस पूरे को हम ए नहीं मानते, इस पूरे को हम मानते हैं ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सेवन, तो ए क्या होगा रूट सेवन, ठीक, तो यहाँ आएगा रूट सेवन, और यहाँ पर भी होता है रूट सेवन, तो यहाँ कर दिए वन अपॉन रूट सेवन, ठीक। अब देखे ये तो हमने यहाँ पर सिर्फ सूत्र अभी लगाया है, अभी जो कॉफिशियंट है उसके बारे में हम लोगों ने अभी बात ही नहीं की, तो यहाँ पर देखिये टी का जो कॉफिशियंट है ये क्या है रूट टू, ठीक, यहाँ पर देखिये टी का कॉफिशियंट रूट टू, यहाँ पर देखेंगे रूट टू अपॉन रूट सेवन है, तो ये तो हम अभी लिखे है ना एक्स अपॉन ए लगा है, तो हम यहाँ कॉफिशियंट देखेंगे, टी का कॉफिशियंट क्या है रूट टू, तो हम यहाँ पर रूट टू से और इंटू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू रूट टू इंटू रूट सेवन, कहने का मतलब थ्री अपॉन टू रूट फोर्टीन टेन इनवर्स रूट टू, रूट पूरे में कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा टू बाई सेवन, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ वन की जगह कुछ और दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ फोर देता ये फोर्टी नाइन देता तो हर जगह सेवन सेवन करते, ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स जैसा जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा, अभी तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से कर ले रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो पीछे चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो भी आने लगेंगी, ठीक, तो पहले देखते हैं वो जब आएंगी तब हम लोग बात करेंगे उनके ऊपर। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आपको आपने हो सकता हो कर भी लिया हो, अगर आपने नहीं किया तो वीडियो पॉज करके जरूर करने की कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें नीचे स्क्वायर बनाना है, तो देखिए स्क्वायर बनाना है तो ये स्क्वायर बन गया, अब इसको टी पुट कर दीजिए, पता है क्यों पुट कर रहे हैं, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो रहता है डीटी के साथ, ठीक, तो क्या आ गया डी टी बाई थ्री, यहां कर दिए थ्री अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया, तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है टी, टी लिख दीजिए प्लस सी, अब टी की वैल्यू लिख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस सी, ये हो गया अपना आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरलिंक्ड है, तो आप लोग पता करके देखिए क्या इनके बीच में रिलेशन है, ठीक। तो मैंने एक क्वेश्चन था शायद रूट वाले में बात की थी, तो हमने बताया था जो रूट होता है वो न्यूमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में तो रूट चल जाएगा, अभी न्यूमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में रूट वाले फॉर्मूले जब है आगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए वो थोड़ा एक वो कंडीशन, मतलब यहाँ पर कुछ दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये मतलब वो फॉर्मूले है, तो वो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक, तो वो बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक जितना पढ़ा उसके हिसाब से अपॉन में रूट होना चाहिए, अपॉन में होगा रूट तो हम आसानी से कर लेंगे, न्यूमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट ना होने के लिए हमें क्या है रूट को हटाने का एक ही तरीका है, अंदर एक्स है, ठीक, तो रूट हटाने का सिंपल तरीका है कि हम जो है उसी से इंटू कर दें, न्यूमिनेटर में उसी से डिनोमिनेटर में इंटू कर दें, तो देखिये यहाँ आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो हमें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, एक्स अपॉन यहाँ आ जाएगा रूट एक्स, ठीक, सेम टू सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे, क्यों करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूट हटाने के लिए, तो देखिए रूट लगा है ये ऊपर जैसा है इसी तरह हम लिख देते हैं, ये रूट हमें हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं एक्स माइनस वन से इंटू कर देंगे न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर में, और उसी से हम कर देंगे डिनोमिनेटर में, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या आ गया x माइनस वन का होल स्क्वायर,
नीचे एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए रूट यहां हट गया, रूट हट गया, ठीक, रूट हट गया, रूट हट के क्या आया, एक्स माइनस वन, ये इससे कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेवन है ये सेम ही है, ठीक। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कहीं मिल जाए, या पेपर में दे दिया गया, या किसी ने आपको कुछ थोड़ा आपको देखने के लिए, जज करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके के बना के दे देते हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा भी डरना नहीं है, बस जो बेसिक रूल है उनको आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ लगी नहीं रहा था हम क्या करें, लेकिन हमें ये पता है कि ऊपर रूट हटाना है किसी तरीके से, तो रूट हटाने के लिए हम ये किए, तो देखिए आ गया, और ये यही क्वेश्चन नंबर सेवन है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, ठीक। तो ये और ये कही क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई करके ये बनाया गया, तो वही यहाँ पर दिया है। तो अब देखेंगे ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको दो खंडों में तोड़ सकते हैं, ठीक। और ये क्यों तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ना है, सॉरी कैसे नहीं, क्यों तोड़ रहे हैं, ये तो हमें देख के ही लग रहा है कि यहाँ कुछ पुट करेंगे ऊपर, ना इसका डिफरेंशिएशन लिखा है ना सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कुछ तोड़ के ही हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस पर फोकस करके आ जाएंगी, ठीक। ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तो एक फॉर्मूला बनना है, रूट वन माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनना है, क्या यहाँ पर भी फॉर्मूला बनना है, आंसर है यहाँ पर फॉर्मूला नहीं बनना। क्यों नहीं बन रहा, आंसर ये है कि यहाँ पर जो है एक्स है ऊपर, और यहाँ पर क्या है वन है, तो जितने भी मैंने सिक्स फॉर्मूले आपको लिखा है वहां पर वन था, ऊपर एक्स नहीं था, तो यहाँ पर देखिए वन नहीं है, एक्स है। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इस पूरे ये पूरा वेरिएबल है ना, इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर लिखा है, जो टू आएगा थ्री आएगा इंटू में कोफिशिएंट मतलब आएगा, उससे हमें नहीं मतलब, लेकिन इसका अगर हम पूरे का डिफरेंशिएशन देखें तो वो ऊपर लिखा है, ठीक। और इसमें देखे कोई फॉर्मूला ही लगेगा, तो ये क्वेश्चन दो बन गए, ठीक। हम इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे अलग अलग। तो अगर आप खुद करना चाहते तो खुद करके देखिए, पहले खुद कैसे करेंगे आप फिर बताइए कमेंट करके। तो देखिए इस क्वेश्चन को, और नीचे आ रहा रूट, हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जब रूट वाले क्वेश्चन होंगे हम उसमें रूट सही टी पुट कर देंगे, इससे रूट का जो सिस्टम है वो पूरा अलग हो जाएगा। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। अलग अलग करने से